नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइबेक्स में कंप्लीट साइनअप प्रोसेस क्या रहेगी और किस प्रकार से आईडी एक्टिवेशन करनी है। साइनअप के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आपके जो अपलाइन है आपको जो लिंक भेज रही है उस पर आप क्लिक करके, इस प्रकार का लिंक होगा, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़र नेम डालना है अपना, ठीक है। यहाँ पर यूज़र नेम डाल लोगे, यहाँ पर ईमेल डालना है, उसके बाद पासवर्ड सेट कर लेना है दोनों जगह सेम, और थर्ड यहाँ पे नाम डाल लेना, मेरा नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे डाल देना है आपको दोस्तों अपने मोबाइल नंबर, इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ से 91 सेलेक्ट हो गए, इंडिया के वो आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप डाल, यहाँ पे आपकी अपलाइन का नाम आ जाएगा, और उसके बाद में आपको करना है यहाँ पर टिक, और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर करना है आपको क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करोगे उसके बाद आपकी आईडी पे मेल वगैरह आ जाएगा, और मेल आने के बाद में आपको उसको कन्फर्म करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको कर लेना है लॉगिन, और लॉगिन के बाद में ये एक्टिवेशन की प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। लगा दिया मेरा आईडी पासवर्ड डाला, मेरा नाम आ गया यहाँ पे, और उसके बाद अपलाइन का नाम यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करना है थ्री लाइन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में रिफिल बैलेंस पे आना है अपने को, और रिफिल बैलेंस पे आने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा यूएसडीटी का। आप चाहो तो यहाँ पे बिटकॉइन भी जमा डिपॉजिट कर सकते हो, लाइटकॉइन, इथेरियम, जो भी आपके पास करेंसी हो वो डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट करूँगा, और नीचे मेरे पास बीप 20 पड़ा है तो मैं बीप 20 यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा नीचे वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, इसको करना है कॉपी, और सिंपली कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ मेरे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, और जहाँ से मैं इसको पेमेंट डॉलर सेंड करूँगा, $50 आई डी पे एड करके आपको मैं दिखाऊँगा। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, मैक्स, उसके बाद करूँगा नेक्स्ट, एक बार मैं इसका एड्रेस चेक कर लूँगा, वैसे तो सही है एड्रेस 552F, ओके 552F, ठीक है। एंड देन उसके बाद करता हूँ कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद दोस्तों 1 से 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के बीच में टाइम लेगा, जहाँ पे आपको फंड वहाँ पे अपने को डिपॉजिट दिखाई देगा, और डिपॉजिट होने के बाद कैसे टॉपअप करना है वो भी मैं आपको आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे कर दिया डिपॉजिट, तो मिनिमम आप $1 भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो जैसे डिपॉजिट होता है उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो। तो दोस्तों जैसे ही आपने डिपॉजिट किया उसके बाद डिपॉजिट आपका कहाँ पे आएगा, तो सिंपली रिफिल के पहले क्लिक किया था, अब क्लिक करना अपने को क्रिएट डिपॉजिट पे। क्रिएट डिपॉजिट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आपका बैलेंस दिख जाएगा। यहाँ पे क्रिएट डिपॉजिट के अंदर यूएसडीटी दिख रहा है, यहाँ पे ये $50 मैंने डिपॉजिट किए थे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे $50 टाइप कर दिया, अभी $50 टाइप करने के बाद में ये दिख रहा है 0.7% से लेकर 1.2% आएगा, और 15 डेज का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहाँ पे $50 से $1000 पर आपको इनके बीच में आने वाला है अमाउंट परसेंटेज, ओके अकॉर्डिंग टू डेली प्रॉफिट। उसके बाद सिंपली अपने को कर लेना है यहाँ पे क्रिएट डिपॉजिट, और उसके बाद दिखेगा आपके सामने कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है साइन अप, ठीक है। क्रिएट कब हुआ है, अभी हुआ है सारी चीज़ें, और एक्सपायर कब है, ये इस तारीख को है, 8 महीने की, ये आप देख सकते हो डिटेल यहाँ पर, ठीक है। और उसके आधार पे आपको यहाँ पे ये मेरा $50 और ये डिपॉजिट हैश यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों इस प्रकार से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, और आप माय डिपॉजिट पे जाके चेक कर सकते हो कि आपने आईडी कितने की डाली है, कितनी बार डाली है। तो मैंने एक बार डिपॉजिट किया तो एक बार ही दिखाएगा, आप चाहो तो मल्टीपल डिपॉजिट भी कर सकते हो, और विड्रॉ पे कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है, और आप 15 दिन बाद में अपना मेन प्रिंसिपल भी वापस ले सकते हो। यूएसडीटी में देना है, यूएसडीटी में ही विड्रॉल है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों नीचे डॉक्यूमेंट, ओके ट्रांजेक्शन के नीचे डॉक्यूमेंट पे आप जाओगे तो यहाँ तुरंत डाउनलोड एग्रीमेंट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो एग्रीमेंट है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये आ रहा है एग्रीमेंट, ठीक है, और ये एड्रेस आ रहा है सिस्टम का, यानी कि कंपनी अपने आप को हर 2 से हर 3 महीने में अपने आप की ऑडिट करवाती है, और यहाँ पे इसके सीईओ का साइन भी है, ठीक है, और सिबेक्स की जो है सील भी यहाँ पे लगी हुई है, और सारा एड्रेस वगैरह दे रखा है आयरलैंड का इनका, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे सारे ऑडिट रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो, हर लैंग्वेज में मिल जाएगी आपको, ठीक है, कंपनी की सारी ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बकायदा। तो इतना ज़बरदस्त सिस्टम है दोस्तों, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो
मिनिमम $50 से भी आप इसको स्टार्ट करके काम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर रेफर लिंक, जब तक आप डिपॉजिट नहीं करोगे कुछ ना कुछ फंड, आपका रेफर लिंक आएगा नहीं। तो वो डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। और अपना जो रेफर लिंक है आपको फ्रंट पे मिल जाएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करोगे ये रहा, यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है, सक्सेसफुल कॉपी। और कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हो सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा लाइव विड्रॉल लेके किस प्रकार से विड्रॉल आपको यहाँ पर लेना है। वैसे तो चेक कर चुका हूँ मैं एक दूसरी आईडी पे और अच्छा सिस्टम चल रहा है, कोई डिटेक्शन भी नहीं है। और बाकायदा CUS का सामने आयरलैंड का प्रोजेक्ट है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।